मछुआरा और जिन। अब्दुल एक गरीब मछुआरा था। वह दिन भर नदी के किनारे अपना जाल बिछाकर बैठा रहा, मगर एक भी मछली नहीं फंसी। उसने उदास होकर कहा, अब देर हो रही है। यदि मैं शीघ्र ही कोई मछली नहीं पकड़ूंगा तो आज रात मुझे खाने में कुछ नहीं रहेगा। तभी उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। तभी उसे लगा कि उसके जाल में कुछ फंस रहा है। वह बड़े प्रयास के साथ उसे खींचते हुए बोला, यह सचमुच एक बड़ी मछली होगी। बड़े जोर से खींच कर उसने जाल बाहर निकाला। मछली के बदले में एक पुरानी विचित्र पीतल की सुराही देख वह बड़ा चकित हुआ। उसने बेचैन होकर जल्दी से सुराही का ढक्कन खोल दिया। तुरंत उसमें से सफेद धुआं निकला। धुएं के फैल जाने पर एक बड़े खूंखार दिखने वाले जिन को उसने सामने खड़ा देखा। वह जिन नामक दुष्ट प्रेत था। जिन ने उससे कहा, मैंने कसम खाई है कि इस सुराही से मुक्त होते ही मैं जिस आदमी को पहले देखता हूँ उसे मार डालूंगा। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। बेचारा अब्दुल थर थर कांपता हुआ खड़ा रहा। वह रोता हुआ बोला, कृपया कृपया मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हें मुक्त किया, तुम्हारी मदद की, तुम मुझे मार नहीं सकते। मगर जिन ने नहीं माना। अब्दुल जानता था कि अब जिन को धोखे से ही हराया जा सकता है। अतः उसने कहा, ठीक है, यदि मुझे मारना ही है तो मार डालो, परंतु मारने से पहले मुझे यह बताओ कि इतने बड़े जिन होकर उतनी छोटी सुराही में तुम कैसे समा गए? जिन हंसता हुआ गर्व से बोला, हे मूर्ख, मैं एक बलवान जिन हूँ। चाहूँ तो मैं पहाड़ों से ऊंचा या चूहे से भी छोटा बन सकता हूँ। अब्दुल कहा, विश्वास नहीं होता, उस सुराही में जाकर साबित करो। जिन तुरंत छोटा रूप धारण कर सुराही में धुएं के साथ गायब हो गया। उसे मालूम होने से पहले ही अब्दुल ने झट से सुराही का ढक्कन कस कर बंद कर दिया। उसने जिन को सुराही में फिर से बंद कर दिया। जल्दी से उसने सुराही उठाई और नदी में दूर फेंक दी। वह फिर कभी उसे देखना नहीं चाहता था। इस तरह चतुर मछुआरे ने दुष्ट जिन को चकमा दिया। आलसी गधा।
सुदूर के एक राज्य में मेहनती और दयालु किसान रहता था। प्राणियों की भाषा समझने की उसमें एक विशेष शक्ति थी। एक शाम उसने गधा और बैल को एक दूसरे से बातें करते हुए सुना। वह पेड़ की आड़ में खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगा। बैल अपने दोस्त गधे से शिकायत कर रहा था। उसने कहा, मैंने आज खेत में बड़ी मेहनत की। गधे ने पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? मेरी तरफ देखो, सारा दिन मैं खाया सोया करता हूँ और मजे करता हूँ। बैल ने सोचा कि गधा बड़ा सौभाग्यशाली है। उसने उदास होकर पूछा, तुम्हारी तरह जीने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? गधे ने सलाह दी, ठीक है, मैं हमेशा बीमारी का बहाना बनाता हूँ। खाना न खाने का बहाना बनाओ, जमीन पर लेटो जैसे बड़ी पीड़ा हो रही है, तो फिर किसान तुम्हें खेत में नहीं ले जाएगा। अगली सुबह बैल ने वही किया जो गधे ने उसे समझाया था, परंतु किसान ने सब कुछ सुन लिया था। इसलिए उसने निश्चय किया कि इस गधे को अच्छा पाठ पढ़ाया जाए। उसने गधे के सामने जाकर कहा, बैल बीमार है, इसलिए तुम्हें आज मेरी मदद करनी होगी। बेचारा गधा हाफता हाफता सारा काम करता रहा। शाम तक तो उसका सारा बदन थककर चूर चूर हो गया था। बैल फिर भी खुश था। वह दोस्त के पास आकर उसके चतुर उपाय के लिए धन्यवाद देने लगा। आज मेरा दिन मस्त बीता है, मैं फिर कल किसान को बुद्धू बनाऊंगा। गधा परेशान हुआ, वह इतनी मेहनत एक और दिन नहीं करना चाहता था। उसने तुरंत कहा, हाय नहीं, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। आज ही मैंने किसान को यह कहते हुए सुना कि यदि तुम बीमार पड़ते रहो तो वह तुम्हें कसाई को बेच देगा। बैल डर गया, वह ऐसा होना नहीं चाहता था। उसने अपने को अच्छा साबित करने का निश्चय किया। उसने अगले दिन से जी तोड़ मेहनत करने का इरादा किया। पेड़ के पीछे छिपे हुए किसान इन बातों को सुनकर अपने आप हंस पड़ा। वह गधे के पास जाकर धीरे से बोला, अब तुमने कभी आलसी न बनने का पाठ सीख लिया होगा। गधे ने शर्म के मारे सिर झुका लिया। उसने सचमुच अच्छा पाठ सीख लिया था। चतुर बाज। सुदूर एक राज्य में यौनान नामक राजा राज करता था। उसके पास एक सुंदर सफेद बाज था, वह उसका प्रिय था। वहां कहीं राजा जाता, बाज भी उसके साथ चला जाता। यौनान राजा के लिए
शिकार प्रिय खेल था। वह अपने मित्रों के साथ पास वाले जंगल के अद्भुत प्राणियों की खोज में चला जाता। इस प्रकार शिकार करते हुए उन्होंने चिंकारा देखा। राजा ने चीख कर कहा, उसका पीछा करो, उसका पीछा करो, उसे पकड़ो पकड़ो। चिंकारा तेजी से पेड़ों के पीछे भागा। राजा उसे पकड़ने के विचार से उसके पीछे दौड़ने लगा। वह एक रहस्यमय जंगल में दूर तक चला। फिर भी चिंकारा भाग निकला। आसपास देखता हुआ राजा समझ गया कि उसके मित्र बहुत पीछे रह गए हैं। वह जंगल में अकेला रह गया था। उसके साथ केवल उसका प्रिय बाज था। अब तक राजा को बड़ी प्यास लग रही थी। उसने अपने आप सोचते हुए कहा, पास ही शायद पानी मिल जाए। बहुत देर तक ढूंढने पर आखिर वह एक छोटे चमकते हुए तालाब के पास आया। उसे आराम महसूस हुआ। उसने पानी पीने अपने दोनों हथेलियों को पानी में डुबाया। वह पानी पीने ही वाला था तब बाज नीचे उड़ता हुआ आकर उस पर झपटा। तब हथेली से पानी गिर पड़ा। नाराज होकर उसने दोबारा पानी हथेली में उठाया। दोबारा बाज अपने डैने फड़फड़ाता हुआ चीखता हुआ उस पर झपट पड़ा। अब राजा योनन को बड़ा क्रोध आया। वह चिल्लाकर बोला, ए मूर्ख पक्षी, तेरी यह हिम्मत? मुझे कितनी प्यास लगी है, क्या तुम देखते नहीं? उसने अपनी तलवार निकाली। इस परेशान करने वाले पक्षी को तुरंत मार डालना चाहा। तभी बाज उड़कर पेड़ पर बैठ गया। राजा ने हवा में तलवार हिलाते हुए ऊपर की ओर देखा। उसने पेड़ को जहरीले सांपों से भरा देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सभी सांप बाधा पड़ने पर नाराज होकर फुफकार रहे थे। तालाब में पानी नहीं था, वह इन सांपों के विष से भरा हुआ था। राजा को तब बोध हुआ कि बाज ने उनकी जान बचाई थी। वह शर्मिंदा हुआ कि उसने बाज को मारना चाहा था। उसने धीमे से उस पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे माफ करो मेरे छोटे यार। बाज के पीछे चलता हुआ राजा जंगल से बाहर आ गया। उसने पक्षी की देखभाल जिंदगी भर की। सुल्तान का तीसरा बेटा। एक बार एक प्रतापी सुल्तान एक बड़े राज्य पर अनेक वर्षों तक राज करता रहा। परंतु उसके बाद राज करने वाला उसका कोई बेटा नहीं था। एक बुद्धिमान आदमी ने उसे तीन फल दिए जिन्हें सुल्तान ने अपनी तीनों रानियों को एक एक खाने को दिया। कुछ समय बाद पहली और दूसरी रानी ने एक एक बेटे को जन्म दिया। दुर्भाग्यवश तीसरी रानी को कोई बच्चा नहीं हुआ, इसलिए सुल्तान ने उसे जंगल भेज दिया।
बहुत दिनों के बाद रानी ने एक बेटे को जन्म दिया। उसने उसे खुदादाद कहकर बुलाया। खुदादाद एक होशियार लड़का बना। वह बड़ा होकर बलवान नौजवान और चतुर वीर बना। एक दिन उसकी माँ ने उसे सच्चाई बता दी कि सुल्तान उसके पिता है। फिर भी लड़के ने कहा, मैं उनको अपने बारे में बताने से पहले ही अपनी काबिलियत साबित करना चाहता हूँ। तो खुदादाद सुल्तान की सेना में भर्ती हो गया। अपने साहस और चतुरता से वह शीघ्र ही लोकप्रिय भी हुआ। सुल्तान का चहेता भी बना। एक दिन दोनों राजकुमार शिकार करने गए। वे अचानक जंगल में गायब हो गए। उन्हें ढूंढा जाने लगा। बहादुर खुदादाद भी उन्हें ढूंढने जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में उसे एक सुंदर लड़की मिली जो एक पेड़ के नीचे बैठे रो रही थी। उसने पूछा, तुम कौन हो? रो क्यों रही हो? उसने बिलखते हुए कहा, मैं पड़ोसी राज्य की राजकुमारी हूँ। एक भयानक राक्षस ने मुझे पकड़कर यहाँ बंदी बनाकर रखा है। अब तुम उस महाबली के आने से पहले यहाँ से जल्दी भाग जाओ। परंतु खुदादाद उस प्रांत का सबसे साहसी वीर था। उसने कहा, मैं उस दैत्य से लड़ूंगा। वह फिर कभी किसी को दुख नहीं दे सकेगा। जब दैत्य वापस लौटा, खुदादाद ने उस पर हमला किया। दैत्य चीखा, चिल्लाया, गरजा, परंतु बहुत देर तक लड़कर खुदादाद ने उसे हरा कर मार डाला। राजकुमारी ने कहा, दैत्य ने कई लोगों को बंदी बनाकर गुफा में रखा है, चलो हम उन्हें मुक्त करें। दोनों दैत्य की रहस्यमय गुफा में गए और उन्होंने अनेक बंदियों को मुक्त कर दिया। उनमें दोनों राजकुमार भी थे। सुल्तान अपने दोनों बेटों को देखकर बड़ा खुश हुआ। वह खुदादाद को पुरस्कृत करना चाहता था। खुदादाद ने आखिर सच बता ही दिया, मैं उस रानी का बेटा हूँ जिसे आपने बरसों पहले देश निकाले की सजा दी थी। यह समाचार सुनकर सुल्तान की खुशी का ठिकाना न रहा। तीसरी रानी को जंगल से राज्य में वापस बुलाया गया। खुदादाद ने राजकुमारी के साथ विवाह किया और वे महल में खुशी से रहने लगे। ऊंट की खोज। एक बार एक मुसाफिर का ऊंट खो गया था। वह उसे चारों ओर बेचैन होकर ढूंढ रहा था, परंतु किसी ने उसे देखा नहीं था और कोई बता भी नहीं सकता था कि वह कहाँ है। आखिर वह तीन बुद्धिमान आदमियों से मिला। उसने उनसे पूछा, क्या आप जिस रास्ते पर आए हो उस पर आपने कहीं भी एक ऊंट देखा है? उनमें से पहले आदमी ने पूछा, क्या तुम्हारा ऊंट एक आंख का अंधा है? मुसाफिर ने उत्तर दिया, हाँ है। दूसरे आदमी ने पूछा, क्या तुम्हारा ऊंट
एक पैर का लंगड़ा है? मुसाफिर ने उत्तेजित होकर कहा, हाँ 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 है। तीसरे आदमी ने प्रश्न किया, क्या तुम्हारा ऊंट अनाज की बोरी एक तरफ और शहद दूसरी तरफ लिया था? मुसाफिर ने कहा, हाँ लिया था, यह मेरा ही ऊंट है। आपने उसे कहाँ देखा था, कृपया मुझे बताओ बताओ बताओ। उन्होंने कहा, हमें अफसोस है, हमने तुम्हारे ऊंट को नहीं देखा। मुसाफिर क्रोधित हुआ, उसने उन पर विश्वास नहीं किया और उन्हें सुल्तान के दरबार में ले चला। वहां वह रो पड़ा, सुल्तान सुल्तान, इन आदमियों ने मेरे ऊंट का सही सही वर्णन किया, फिर भी वे कहते हैं कि उन्होंने उसे नहीं देखा है। उन्होंने मेरे ऊंट को कहीं छिपा कर रखा है। परंतु आदमियों ने सफाई दी कि वे निरपराधी हैं। एक बोला, हमारा ऊंट के गायब होने से कोई सरोकार नहीं है, रास्ते के एक तरफ ही घास खाई गई थी, इसलिए हमें पता चला कि वह काना है। दूसरे ने बात जोड़ी, हमें मालूम हुआ कि वह लंगड़ा है क्योंकि उसके एक पैर की निशानी अन्य तीनों से अलग थी। तीसरे ने आगे कहा, हमने अनुमान लगाया कि जब एक तरफ रास्ते में अनाज गिरा था और दूसरी तरफ शहद के गिरने के निशान थे, इसलिए वह ऊंट अनाज और शहद लिए जा रहा होगा। इसे सुन सुल्तान को विश्वास हो गया कि वे आदमी चोर नहीं थे। वह उनकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुआ और उसने उन्हें अपना दरबारी बनाया। मुसाफिर को भी बोध हुआ कि उसे उन आदमियों के बारे में गलत फहमी हो गई थी। उसने माफी मांगी और वह अपना ऊंट ढूंढने चल पड़ा। Thank you.